हेलो मेरे लवली बेकर्स, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ मेरी सीक्रेट्स फार्मूला है जो आप सबके साथ शेयर करूंगी। बस मेरी ये सीक्रेट फार्मूला को अगर आप अपनाओगे तो बिन कुछ कहे कस्टमर सारे बेकरी छोड़कर आपके पास आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं 3 टीयर ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये केक 3 किलो का है और इसको हम बनाएंगे काफी आसान तरीकों से। किसी ओकेजन हो, किसी की बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, इसे बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो 3 चॉकलेट केक स्पंज में पहले दिखाई, वो चॉकलेट स्पंज में बनाकर रख ली थी। इसका रेसिपी चैनल पे है, अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो जाकर देख लीजिए चैनल पर। तीनों के स्पंज की लेयरिंग करने के बाद मैं ये जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर की केक है, इसकी मैं फिलिंग्स भर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये टॉप लेयर को ही दिखाई हूँ वीडियो में। सेम इसी प्रोसेस से बॉटम लेयर और मिडिल लेयर की केक को फिलिंग्स देके डीप फ्रीजर में स्टोर कर ली है पहले से। तो आइए अब ये केक की जो आइसिंग कर लेते हैं। पहले मैं टर्न टेबल पे रखा एक केक बोर्ड, इसमें क्रीम नहीं लगानी है क्योंकि ये शिफ्ट होगा। ये केक का टॉप लेयर है और इसमें रखेंगे हम केक का जो फर्स्ट लेयर रखा, फिर इसको सोक कर देंगे ये मिल्क सिरप से। मैं 2 टेबल स्पून चीनी में 1/2 कप पानी देके अच्छे से मिलाया, उसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिला के ये सिरप बनाया है। इसमें पूरी केक को सोक करना है। सोक करने के बाद इसमें हम क्रीम को स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे क्रीम को। इसके ऊपर चॉकलेट गनास और चॉको चिप्स देके जो केक का लेयर रखेंगे, इसकी जो साइड गैप को पहले कवर करेंगे, फिर इसको सोक करेंगे हम मिल्क सिरप से। इस पर भी हम क्रीम को स्प्रेड कर देंगे, बहुत आसानी से ये क्रीम स्प्रेड हो जाती है और स्टेबल भी रहती है, बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी ये क्रीम। फिर से चॉकलेट गनास और चोको चिप्स देके अब हम रखेंगे केक के जो फाइनल लेयर, और फाइनल लेयर को भी हम मिल्क सिरप से सोक कर लेंगे और इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड करना है। ये हमारी केक की बॉटम लेयर है, मैं इसको भी सेम इसी प्रोसेस से क्रम कोट करके फ्रीजर में स्टोर किया था। अब केक को हमें पूरी तरह से कवर कर देना है जो क्रीम से, और इसको ऐसे एक स्केल से मैं स्मूथ कर रही हूँ क्रीम को। क्रीम को अच्छे से केक की चारों तरफ हमें लगाना है, टॉप में भी क्रीम को दे के स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्क्रैपर यूज करती हूँ, इससे बहुत ही इजीली केक स्मूथ हो जाता है। इसके जगह आप कोई भी प्लास्टिक का कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक कॉम लेकर ऐसे केक की साइड में ऐसे पैटर्न दे दी, फिर बीच में केक के बीच में ये मैं पेपर स्टिक जो है उसको ये केक की हाइट के अकॉर्डिंग कट करके दे दी। इसके ऊपर हमारे सेकेंड लेयर जो मिडिल लेयर है केक का, मिडिल लेयर रहेगा और उसके ऊपर फिर टॉप लेयर रहेगा। तो देखिए हमारे तीनों केक की फाइनल आइसिंग हो चुकी है। वीडियो में सिर्फ एक केक का आइसिंग दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी मिडिल वाली केक को बहुत केयरफुली मैं ये स्पैचुला और स्केल से केक की बड़े वाले केक के ऊपर इस तरह से जो प्लेस कर लिया है सेंटर में, बहुत ही ध्यान से करेंगे इसे हम। फिर इसके ऊपर टॉप लेयर को हम प्लेस करेंगे। अब ये देखिए हमारे जो टॉप लेयर है इसको भी हम सावधानी से उठाकर एक केक के मिडिल लेयर के ऊपर रखना है। अब ये देखिए हमारे 3 टीयर केक रेडी हो गया। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसको डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए गनास, ये चॉकलेट गनास का जो रेसिपी है ये भी मेरे चैनल पे है। अगर चाहिए आपको चॉकलेट गनास कैसे बनता है
ये रेसिपी, तो मेरी चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। तो ये गनाश को हम ऐसे केक के साइड में डालना है और इसके टॉप के ऊपर भी ऐसे डालना है। ये ड्रिपिंग के लिए हमें रनिंग गनाश ही चाहिए और केक एकदम चिल्ड होना चाहिए, तब जाके आपका ड्रिपिंग अच्छा दिखेगा। चिल्ड केक के ऊपर गनाश ड्रिप देने से ड्रिपिंग जहाँ तक आप चाहोगे देना वो उसी जगह सेट हो जाती है चिल्ड केक की वजह से। और ये देखिए हमारी ये ड्रिप्स देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, ये देखिए देखने में बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये केक के ऑर्डर के बाद मेरे पास बहुत सारे टीयर केक का ऑर्डर आया था, मैं वो सब अपने चैनल पर शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। ये केक इतना टेस्ट था, कस्टमर को इतना अच्छा लगा कि वो कॉल करके मुझे बताए कि केक का टेस्ट और डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट था। तो मैं इसमें क्या सीक्रेट दिया था आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये था मेरी सीक्रेट, ये जो है हमारे कंडेंस मिल्क, ये कंडेंस मिल्क को मैं ऐसे दो दो स्पून करके एक एक टीयर में दिया था, जो टीयर केक की फिलिंग्स बनाई थी केक की, ये कंडेंस मिल्क क्रीम में ऐसे मिक्स करके वो जो केक फिलिंग्स में दी थी तो टेस्ट अच्छा था। ये मेरी एक वो कस्टमर है जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ टेस्ट से मतलब है, और ये मेरी बहुत अच्छे कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, ये हमेशा मेरे से ही केक लेते हैं और बहुत सारे ऑर्डर भी देते हैं। ये कस्टमर जो पैसे के लिए पटपट नहीं करते हैं, ये हमेशा मैं जो चार्ज करती हूँ देते हैं। ये केक के बाद उनके फ्रेंड सर्कल में से मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिला था, मैं वो सारे वीडियो शेयर करूँगी आप सबके साथ। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है, तो इसमें हम देंगे ये चेरी टॉप में और ऐसे साइड में और कुछ चोको चिप्स देके ये केक की फाइनल लुक बनाई हूँ। केक को मैं 1800s में सेल किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आज का वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्त और रिश्तेदार में शेयर करें ये वीडियो, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और कमेंट्स में बताइए आज का ये डिज़ाइन और आज का ये ब्लैक फॉरेस्ट केक आप सबको कैसा लगा। आप भी मेरी ये सीक्रेट टिप्स को फॉलो करें और सारे कस्टमर बेकरी छोड़कर आपके पास ही आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।